नमस्कार, कॉमोडिटीज लाइव में आपका स्वागत है। और मार्केट्स पे अब देखना होगा कि आज की अप्रोच कैसी होती है। कॉमोडिटी मार्केट पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये जानना अहम है कि बाजार की शुरुआत कैसे होने जा रही है आज। हालांकि अगर वर्ल्ड मार्केट्स पे देखेंगे तो सोने और चांदी पे कुछ ज्यादा बड़ी हलचल नहीं दिखाई देगी आपको। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी जो वो 1/4% नीचे है, सोने में भी बिल्कुल फ्लैट कारोबार हो रहा है। और ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा दबाव डेफिनेटली आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल टेंशन है वो फेड आउट हो रही है, उसका एक असर प्रेशियस मेटल एज अ होल कॉमोडिटीज पे देखने को मिल रहा है। कॉमेक्स पर फिलहाल 1331 और चांदी सोने का भाव और चांदी का भाव 1785 के आसपास प्रति आउंस देखने को मिल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट है क्रूड, ये कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि ओपेक की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई उन्होंने ये बोला है कि डिमांड जो है वो हो सकता है बढ़ जाए 2018 में, यानी कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कल भी देखा था क्रूड पे एक तेजी बनी थी जो इसको लगभग 0.5% ऊपर ले गई घरेलू बाजार पे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे पॉजिटिव रुझान था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे हाई लेवल्स पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ओपन हुए कॉमोडिटीज और M6 क्रूड फिलहाल बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। 3092 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। कल की क्लोजिंग के हिसाब से कोई ज्यादा हलचल इस समय नहीं दिखाई दे रही है। सोने में 55 पॉइंट्स के गेन है, लोअर लेवल से थोड़ी सी खरीदारी आज के सत्र में बढ़ती हुई नजर आई, 0.2% के आसपास की बढ़त है। चांदी जो है उसमें 35 पॉइंट्स का कुछ रिलीफ देखने को मिल रहा है। कल भी हल्की खरीदारी लोअर लेवल से थी, आज उसको कंटिन्यू करती हुई नजर आ रही है चांदी। M6 नेचुरल गैस कल दमदार रिटर्न्स दिए थे इस कॉमोडिटी ने, 2% के आसपास का जंप था। आज 193.10 के लेवल पे ओपन होती हुई पॉजिटिव अप्रोच रखी हुई है ट्रेडर्स ने। कॉपर कल भी टूटी थी, आज भी गिरावट देखने को मिल रही है, 1/4% नीचे है। ये ओपनिंग टिक्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं। निकल पे प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि बेस मेटल्स कमजोरी शो कर रहे हैं शुरुआत में, 1.5% नीचे है निकल। कल के सत्र में 1% का उछाल देखने को मिला था, अब 750 के लेवल के नीचे आ चुकी है। जिंक में 1/4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, 195.40 का मौजूदा स्तर। बेस मेटल एज अ पैक यहां पर लैग कर रहा है मार्केट को, आज गिरावट देखने को मिल रही है। लेड में भी यहां पर भी 1/4% के आसपास की गिरावट है, और एल्यूमिनियम में यहां पर भी दबाव दिखाई देगा आपको, 135 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। मेरे साथ टी नाना शेखर साहब और साथ साथ अनुज गुप्ता जी मौजूद है, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुज, बताएं आज प्रेशियस मेटल्स पे लोअर लेवल से कुछ खरीदारी है, ये बढ़ सकती है क्या इंट्राडे के दौरान? मॉर्निंग, अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड बना है थोड़ा सा पॉजिटिव ही है लॉन्ग टर्म के लिए, बट इंट्राडे में हमने पिछले दो दिनों में कुछ करेक्शन आते हुए देखा है। हालांकि 1340 एक रेजिस्टेंस लेवल बना है और 1320 एक सपोर्ट लेवल है, और अगर हम MCX की बात करें तो करीबन 29,800 एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई दिया और 30,100 एक रेजिस्टेंस लेवल है। हमें लगता है कि जिस तरह डॉलर ने एक रिबाउंड किया तो गोल्ड के अंदर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से कुछ बिकवाली का माहौल देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में हमें लगता है कि सेलर राइज कर सकते हैं करीबन 3,000 के आसपास, स्टॉप लॉस 30,150 का रहेगा, टारगेट करीबन 29,850 तक देखने को मिल सकता है। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिला है। सिल्वर में $18 मार्केट ने काफी अच्छा रेजिस्टेंस फेस किया है। हमें लगता है कि सिल्वर में करीबन अगर भाव ऊपर मिलते हैं 41,500 के आसपास तो बिकवाली करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस 41,900 पर आएगा, टारगेट करीबन 41,000 तक देखने को मिल सकता है। अच्छा मिस्टर ग्राना शेखर, आपकी अप्रोच क्या होगी सोने और चांदी पे, एक तो ये बताएं ये उछाल के पीछे कारण क्या है, क्योंकि ग्लोबल टेंशन से थोड़ी ईज आउट हो रही है और ये जो इरमा तूफान था इससे भी कुछ अब जो खतरा जितना बन रहा था वो भी फेड आउट होता हुआ नजर आ रहा है, तो अभी सोने और चांदी को अप्रोच कैसे करना चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक द टेंशंस आर ईजिंग। कल भी जो प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट था दैट इफ यू नो चाइना इज नॉट गोइंग विद द सैंक्शंस, यू नो they'll find a way to put sanctions on China, not to enter the US market. So, these are all statements which will lead to further safety and buying. So, because of that, you know, it's still supporting prices. But, you know, the one thing to keep in mind is next week is the FOMC meeting. So, uske pehle to jyada upside bhi nahi hoga. So, that's the problem. You know, it's going to be caught in a range for a while. So the downside range will be somewhere close to 29,800 and the upside will be 30,200-300 levels. मिस्टर ग्राना शेखर, चांदी पे क्या करना चाहिए? आज बेस मेटल्स लैग कर रहे हैं, चांदी फिर भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से खरीदनी हो तो ठीक है कॉमोडिटी? है इंट्राडे पर्सपेक्टिव इट लुक्स ओके बिकॉज़ यू नो द डॉलर अगेंस्ट रुपी इज आल्सो होल्डिंग फर्म, सो but you know you have to keep a stop at 40,700-800 levels and then buy. But I'm not expecting any major upside immediately because the geopolitical tensions are supporting. A FOMC meeting is a very critical meeting going forward. So no one will have such a huge long position before the meeting. So hey, upside hai thoda, buying ka hi view hai intraday mein because you know silver is holding on well, but I'm not expecting major upside.
चलिए, कोई बहुत बड़े बदलाव की मौजूदा भाव से आप एक्सपेक्टेशन मत करें, लेकिन लोअर लेवल्स पे कुछ खरीदारी हो सकती है और इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बैंक्स की बैठक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक होगी, उसका तो असर आएगा ही यहाँ पर ग्लोबल कॉमोडिटीज पे। लेकिन बेस मेटल्स टूट गया शुरुआती सत्र में ही, एंजल कॉमोडिटी की राय बताएं अनुज, बेस मेटल्स पे सबसे पहले कॉपर पे क्या किया जाए, लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में कमजोर है ये तो। देखिए कॉपर में हमने पिछले दो दिन पहले काफी अच्छा सेल ऑफ आते हुए देखा था, जहाँ कुछ ट्रेंड में रिवर्सल हुआ है। हमें लगता है कि कॉपर के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं, करीबन 433 के आसपास स्टॉप लॉस 436 का रहेगा, टारगेट नीचे करीबन 426 से लेकर 425 तक देखने को मिल सकता है। जिस तरह हमने कॉपर में एक रैली देखी थी, मुझे लगता है कि अब कॉपर में वही प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आते हुए दिखाई दी है। हमें लगता है कि नीचे 425 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर और जिंक सेकंड कमोडिटी रहेगी जहाँ पर हमें लगता है कि बिकवाली करके चल सकते हैं, ये जो टारगेट करीबन 193 तक देखने को मिल सकता है। मिस्टर ज्ञानशेखर, आपकी राय क्या होगी, कोई भी कॉमोडिटी बेस मेटल्स जो आज शॉर्ट करके चलेंगे आप, या फिर लोअर लेवल्स पे कुछ खरीदारी की उम्मीद है आपको? नहीं नहीं, अभी के लिए नहीं, बिकॉज आई थिंक मेनी फंड्स आर एक्सेसिवली लॉन्ग, यू नो दे आर कटिंग देयर पोजीशंस, दैट इटसेल्फ विल कंटिन्यू फॉर अ कपल ऑफ डेज। तो अभी के लेवल पे बाइंग बिल्कुल नहीं बन रहा है। आई थिंक मे बी अनदर 5% to 10% क्लोज टू दैट सम बार्गेन हंटिंग विल रीअपीयर अगेन। अच्छा, आप 5 से 10% का करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या बेस मेटल्स में? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्गली ग्रिप में थे पिछले कुछ दिनों में, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं बेस मेटल्स पे, अब क्या प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है? It's already started and it's continuing. You can see already the way it is falling. You know, despite the weaker dollar, base metals have started correcting. Simply because the way it has rallied so much, you know, compared to other asset classes, base metals have done extremely well. So that is ripe for a profit taking, you know. अच्छा, पर मौजूदा स्तरों पे कोई भी commodity short करने की सलाह देंगे क्या, Mr. Gnanasekhar? Yes, in base metals as of now, in the short term, for a couple of days, it looks like a sell and rallies. अच्छा, क्रूड पे क्या किया जाए और एंजल कॉमोडिटी की राय क्या होगी अनुज जी, क्योंकि यहाँ पर जो टेंशन थी, एक तो वो फेड आउट हो रही हैं ग्लोबली और दूसरा इन्वेंट्री फिगर्स इरमा तूफान के बावजूद स्ट्रांग बनी हुई है यूएस में, कैसे देखते हैं आप क्रूड की चाल को आप ग्लोबल मार्केट्स पे, घरेलू बाजार पे? क्रूड में आज इन्वेंट्री आनी है, मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा रेंज में रहेगा, बट क्रूड में हमने देखा है कि 3,000 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट मौजूद हुआ है, $47 के आसपास, जहाँ से हमने टेक्निकली बाउंस बैक भी आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट नीचे करेक्ट होता है और 47 के आसपास करीबन 3,030 के आसपास अगर एमसीएल में भाव मिलते हैं, तो वहाँ से बाई भी शेयर करना चाहिए। अगेन ऊपर में भाव करीबन 3,120-3,140 तक देखने को मिल सकते हैं। इन्वेंट्री आने के बाद जो ट्रेंड है वो वहाँ पे क्लियर होता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फिगर्स है यूएस में, इन्वेंट्री फिगर्स आनी है, उसका असर कॉमोडिटी मार्केट पे क्रूड पे देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, कॉमोडिटी मार्केट पे अप्रोच बताने के लिए।